अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है? छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से आपको समझ ना आए, वीडियो पॉज करके या वीडियो पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक सेट दिया गया है, ये सेट जो है ये ग्रुप है कि नहीं, ये सेट ग्रुप है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे कि ये सेट ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये सेट ग्रुप कहलाएगा, अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो ग्रुप नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आती है डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है? सबसे पहले हम एक फंक्शन को डिफाइन करवाया करेंगे, ठीक है? अगर फंक्शन डिफाइन ना हो सके तो वो सेट ग्रुप नहीं है, और अगर ये फंक्शन डिफाइन हो गया तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम होल्ड करवाएंगे, ठीक है? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव, ठीक है? तो नंबर वन में हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ या क्लोजर एक्जियम, ठीक है? फिर हमारे पास आएगी एसोसिएटिविटी। ये नाम आपने बचपन से सुने होंगे, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आता है आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इनवर्स, और नेक्स्ट एट द एंड लास्ट पे हमारे पास आएगा कम्यूटेटिविटी। ठीक हो गया? अगर हमने शो करना है कि ये सेट एक ग्रुप है या नहीं, तो पहले हम फंक्शन को डिफाइन करवाएंगे। अगर फंक्शन डिफाइन ना हुआ तो वो सेट ग्रुप नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन हो गया तो सबसे पहले जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो उसी वक्त पहली प्रॉपर्टी खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगी। जब फंक्शन प्रूव हो जाएगा तो उसी वक्त साथ ही ये पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी, ठीक है? हमें इसको साबित करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी। क्या आता है? एसोसिएटिविटी। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो इसको कहते हैं सेमी ग्रुप। क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप, ठीक हो गया? और अगर तीसरी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने की कोशिश करें और तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए, तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, तो हम इसको कहते हैं मोनाइड, हम इसको कहते हैं मोनाइड, ठीक है? और अगर फिर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें और ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर हम इन चार प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है? और अगर पांचवी भी सेटिस्फाई कर जाए तो हम फिर इसको कहते हैं अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज हम उसी वक्त सेटिस्फाई करवाएंगे पहले हमारा फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है? फर्ज किया है हमारा फंक्शन भी डिफाइन हो गया और पहली चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, पांचवी नहीं हुई, तो वो अबिलियन ग्रुप नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ग्रुप होगा, मोनाइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, ठीक हो गया? तो चलिए आइए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन इतनी डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे ग्रुप के रिलेटेड होंगे। फंक्शन कैसे बनता है? तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास सेट होता है, फिर सेट का हम कार्टीजियन प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास रिलेशन आ जाता है और फिर फंक्शन बन जाता है, ठीक है? ये सारे स्टेप होते हैं फंक्शन बनने के लिए, ठीक है? फंक्शन की अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं या थोड़ी सी कोई बात बताऊं, तो फंक्शन कहते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स या फर्स्ट सेट,
फर्स्ट सेट देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू इन सेकेंड सेट वन वैल्यू इन सेकेंड सेट। देखें जी फंक्शन क्या होता है, अगर पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए दूसरे सेट में सिर्फ एक आंसर आए तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समय एग्जांपल मैं नेक्स्ट देता हूँ आपको, उससे पहले हम थोड़ा सा और जान लें फंक्शन यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो सेट ही क्यों लिए, यानी कि पहले सेट और दो सेट, यानी कि इस तरह चीज़ें होंगी ना, ये वाली एक सेट ये है एक सेट ये है, तो बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। फंक्शन आप पर क्या है कि हमारे पास इस तरह एक सेट होता था, इसी तरह दूसरा सेट होता था, सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म भी इसको कहते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम सेट को इस तरीके से लिख दें इसको कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज किया है ये सेट मेरे पास बी है और ये सेट मेरे पास ए है, ठीक है, ये मेरे पास बी सेट है, ये मेरे पास ए सेट है, और अगर मैं यहाँ से फंक्शन डिफाइन करवाना चाहूँ तो ये मेरे पास आएगा एफ बी से लेके ए तक, ठीक है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होता है, देखिएगा ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करूँगा कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं चीज़ें। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब है दो, बाइनरी का मतलब है दो। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी मशीन होती है जो कि दो चीज़ों को लेती है और उसे एक चीज़ में कन्वर्ट कर देती है। ये मैंने एक छोटी सी मशीन बना ली, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी सिंबल से जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस स्टैटिक का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये स्टैटिक नहीं नज़र आपको आ रहा, तो इस स्टैटिक का यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। ये बाइनरी ऑपरेशन की अलामत है, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ एंटर करूँ, यहाँ से भी कोई ये चीज़ एंटर करूँ, तो ये मशीन इस पे काम करेगी और यहाँ से मुझे एक आंसर निकाल के देगी। मैंने दो चीज़ें एंटर की और अंदर से एक आंसर निकला, यानी कि इसने दो एलिमेंट को इकट्ठा करके एक एलिमेंट दे दिया, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक हो गया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। फ़र्ज़ किया है, देखें फ़र्ज़ किया है, ये मशीन मैं ऊपर बना देता हूँ आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो जगह इसको रेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। ये देखें कि ये हमारे पास आ गई मशीन हमारी बाइनरी ऑपरेशन की, कंसेप्ट है समझ लीजिएगा, मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैंने एक्स एंटर किया, यहाँ से वाई एंटर किया, तो यहाँ से एक्स अंदर जाएगा, यहाँ से वाई अंदर जाएगा, तो ये x और y पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ x और y पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। x और y पे जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो बाद में एक न्यू चीज़ बाहर आ गई हमारे पास z, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि z बाहर आ गया जब x और y पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ, या बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ एक्स और वाई के ऊपर, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन मैंने स्टार यूज़ किया। अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं चीज़ों को कम रिपीट कर रहा हूँ, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा जहाँ से समझ ना आएगी, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, हर वो ऑपरेशन जो कि दो चीज़ों पर काम करे, एक मिनट सिर्फ,
हर वो ऑपरेशन जो कि दो चीज़ों पे काम करे वो बाइनरी ऑपरेशन भी है, यानी कि एक एक्स था एक वाई। इनको ऑपरेंड भी कहते हैं, इनको आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी देखें यहाँ पर अगर बाइनरी ऑपरेशन जो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये इन जनरल एक चीज़ है। जिस तरह हम वन यूज़ कर लेते हैं, टू थ्री फोर फाइव, तो हम कहते हैं इन सभी की जगह अगर ए लिख दूँ, यानी कि ए वन भी हो सकता है, टू भी, थ्री भी, ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इन जनरल हमने ए लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सभी को मैंने एक इन जनरल नाम दे दिया, ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, फ़र्ज़ किया कि इस मशीन में मैंने एक वैल्यू x की 2 एंटर की और y की मैंने वैल्यू 3 एंटर की, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा? फ़र्ज़ किया है कि यहाँ पे प्लस का बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये इस तरह अप्लाई होगा 2 और 3 पे, यानी कि 2 प्लस 3, तो ये दो वेरिएबल पे, दो आर्गुमेंट पे ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई हुआ, तो 2 प्लस 3 आंसर आ गया 5। तो देखें इस प्लस ने 2 और 3 को इकट्ठा करके एक न्यू एलिमेंट बना दिया 5, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की समझ आ गई? क्या बाइनरी ऑपरेशन होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक मशीन होती है जो कि दो वेरिएबल या दो एलिमेंट को लेती है, दो ऑपरेंड को लेती है और हमारे पास एक आंसर निकाल के दे देती है। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाला ले लेता बाइनरी ऑपरेशन, तो ये आ जाता था 2 3 = 2 2 × 3 और आंसर आ जाता 6। यहाँ पे अगर मैं माइनस का ले लेता तो ये आ जाता 2 3 और ये आ जाता 2 − 3 = −1, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन कैसे रिलेट करेगा? बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अब देखिएगा, ठीक है। तो आ जाइए अब हम फंक्शन बनाते हैं। क्या? अब हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हम बनाएंगे छोटा सा ही। ये एक सेट बना लिया हमने, ये एक सेट बना लिया, ठीक है। एक सेट ये बना लिया, एक ये, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक फंक्शन एफ डिवाइन कर दिया। कौन सा फंक्शन एफ, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन मैंने लिया है? मैंने बाइनरी ऑपरेशन वाला फंक्शन लिया, बाइनरी ऑपरेशन वाला फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको एक स्पेशल नाम दूंगा, यानी कि स्टैटिक, ये वाला, ठीक है। कौन सा फंक्शन है? स्टार फंक्शन है, यानी कि स्टैटिक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखिए सेट की बात कर रहा हूँ, किसकी सेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये सेट लेके चलूँगा, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन दो पे अप्लाई होता है, तो मैं बाइनरी ऑपरेशन एक एक सेट में ले लेता हूँ बी, और एक सेट में ले लेता हूँ ए, ठीक है। इसको तो मैंने ए ही रहने दिया, लेकिन बी वाले को मैंने कहा कि बी जो है मेरे पास ये ए का कार्टीजियन प्रोडक्ट है, यानी कि एक रास ए है। तो मैंने ये जो बाइनरी ऑपरेशन लिया, ये जो मैंने बाइनरी फंक्शन लिया, ये बाइनरी फंक्शन मैंने डिफाइन करवाया है ए क्रॉस ए से लेके ए तक, ठीक है। ए क्रॉस ए से लेके ए तक, ये मैंने बाइनरी फंक्शन यहाँ पे डिवाइड करा है, ठीक है। यानी कि एक सेट है, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए सेट से लेके ए तक है, यानी कि इस सेट से लेके इस सेट तक है। फ़र्ज़ किया है कि मैं सेट कौन सा ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया, क्या किया? फ़र्ज़ किया है मैं सेट ले लेता हूँ। अब एग्जाम्पल करने लगे हैं, कंसेप्ट आपके पास पूरे आ गए हैं, कंसेप्ट आपके पास हैं। कंसेप्ट क्या है? अगर हमने किसी सेट को प्रूफ करवाना है कि वो ग्रुप है या नहीं, हमने प्रूफ करवाना है कि सेट ग्रुप है या नहीं, तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन कौन सा होगा? बाइनरी ऑपरेशन वाला, ठीक है। अगर फंक्शन डिफाइन ना हो सका तो हम कहेंगे वो सेट ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन हो गया, तो जैसे ही फंक्शन डिफाइन होगा पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अगर दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई तो सेमी ग्रुप, तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई तो मोनाइड, चौथी भी सेटिस्फाई हो गई तो ग्रुप, और पांचवी भी सेटिस्फाई हो गई तो अब बिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक हो गया। यही कंसेप्ट थे बस। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आई? एग्जाम्पल हमने चेक करना है कि एक सेट है 0 और 1, ये दो उसमें एलिमेंट है, ये दो उसमें एलिमेंट है। हमने बस चेक करना है कि ये इस पे फंक्शन डिफाइन हो सकता है या नहीं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं, ये देखना है।
ठीक है, तो ए सेट ये वाला है, तो ए में इसके एलिमेंट लिख देंगे। एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं, एलिमेंट है 0 और 1, ये मैंने लिख दिया। अब ये सेट कौन सा है, बी सेट है, जिसको मैंने ए क्रॉस ए कहा है। ठीक है, तो पहले इसका ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, यानी कि कार्टिजियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये 0 और 1 है, पहले 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, और फिर 1 1 आएगा। ठीक है, ये 4 एलिमेंट आ गए। इसमें 2 एलिमेंट थे, एक ये, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। ठीक है, ये 2 मैंने सेट लेके इस पे बाइनरी फंक्शन डिफाइन करवाने की कोशिश की। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन ये तो इन जनरल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन तो इन जनरल लिखा हुआ है, इन जनरल। लेकिन अगर मैं इसको एक खास नाम दे देता हूँ, यानी कि मैं चेक करना चाहता हूँ प्लस के हिसाब से, किसके हिसाब से, प्लस एडिशन के हिसाब से। ठीक है, तो ग्रुप को चेक किया जाता है एडिशन के लिहाज से, ग्रुप है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है कि नहीं, डिवीजन के हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, तो प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो प्लस के हिसाब से मैं चेक करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस। ठीक है, ये मेरा लग गया प्लस। अब प्लस लगाया है तो देखें 0 प्लस 0 कितना होता है, तो 0 प्लस 0 होता है, तो ये इसके साथ मैप कर जाएगा। 0 प्लस 1 कितना होता है, 0 प्लस 1 इसके साथ मैप कर जाएगा, 1 होता है। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, ये इसके साथ मैप कर जाएगा। ठीक, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है तो हम इसकी मैपिंग नहीं करवा सकते। ठीक हो गया, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई अंडर एडिशन। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको गौर से देखूँ तो ये मेरे पास फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन है नहीं है। फंक्शन कहता है कि पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए दूसरे सेट में एक आंसर आना चाहिए, तो पहले सेट में इस वैल्यू के लिए आंसर ही नहीं आया, यानी कि ये खाली सेट बच, ये खाली एलिमेंट बच गया। फंक्शन कहता है कि अगर पहले सेट की हर एक वैल्यू पे आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, वो फंक्शन होगा, लेकिन इसकी इस वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अंडर एडिशन, अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो सका इस सेट के ऊपर, अंडर एडिशन इस सेट के ऊपर फंक्शन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो सका, तो हम आगे वाली चीज़ों को नहीं चेक करेंगे, हम कह देंगे ये सेट अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया, अगर अगर डिफाइन कर जाता तो उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई के लिए लेके देखता हूँ, किसके लिए, अब हम मल्टीप्लाई के लिए लेके देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई के लिए होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। ठीक हो गया, अब हम किसकी तरफ चलते हैं, अब हम मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं, जल्दी कर लेते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, अब देखें 0 और 0, पहला एलिमेंट क्या है, 0 और 0 को, 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0 आएगा, यहाँ आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया, यहाँ पे प्लस नहीं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई के लिए ये डॉट होता है। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आ गया, यहाँ पे मैपिंग हो गई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया। ठीक है, तो देखें कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए एक एक आंसर ही आ रहा है, तो ये फंक्शन है। जब फंक्शन प्रूव हो गया तो पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई। ठीक है, मैंने कहा था जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। क्यों हुई है, जब हम क्लोजर लॉ पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम अंडर मल्टीप्लीकेशन इस पे ये प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश करेंगे, अगर ये दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई तो सेमी ग्रुप, तीसरी हो गई तो मोनाइड, चौथी भी हो गई तो फिर ये सेट ग्रुप होगा, पांचवी हो गई तो अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन का पता चल गया। एक और छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, एक और सेट लेके देख लेते हैं, एक और सेट लेके देखते हैं। सेट हमने ले लिया 1 माइनस 1, यानी कि हम एक और सेट लेके देख 1 माइनस 1 एओटा और माइनस एओटा। ठीक है, तो यहाँ पे
ए सेट में आएगा वन माइनस वन एओटा और माइनस एओटा, यहाँ पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो वो हमारे पास 16 एलिमेंट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? वन का वन के साथ, वन का माइनस वन के साथ, और वन का एओटा के साथ, वन का माइनस एओटा के साथ, और माइनस वन का वन के साथ, और माइनस वन का एओटा के साथ, माइनस वन का माइनस वन के साथ, माइनस वन का माइनस एओटा के साथ, एओटा का वन के साथ, एओटा का माइनस वन के साथ, एओटा के साथ, एओटा का माइनस एओटा के साथ, और माइनस एओटा का वन के साथ, और माइनस एओटा का माइनस वन के साथ, और माइनस एओटा के साथ, और माइनस एओटा का एओटा के साथ। ठीक है, ये 16 एलिमेंट्स आए। और अगर आप इन 60 एलिमेंट्स को मैपिंग करवा के देखेंगे तो सारी के सारी मैप कर जाएगी, यानी पे इस पे फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आएगा, वन का एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला किसके साथ, एओटा के साथ करेंगे, एओटा के साथ आएगा। ठीक है, तो मैपिंग जिस तरह की हो रही है वैसे ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये इसके साथ आएगा, ये वन को माइनस एओटा के साथ तो ये आएगा, माइनस वन को वन के साथ तो माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये सारी मैपिंग हो जाएगी और ये भी हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। और फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, बाद में इस पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लगा के देखेंगे सेमी ग्रुप है, मोनाइड है, ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। तो इस तरह हम चेक करते हैं अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक करते हैं ग्रुप है कि नहीं, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।